तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक प्राइस, कोटक महिंद्रा बैंक फरवरी में आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। देखते हैं, चलो स्क्रीन पे चल के देखते हैं क्यों देगा। मैंने अपना ये खोला है और इसमें हम चलते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर के प्राइस की तरफ। ये हमें कितना बेनिफिट दे सकता है आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। अभी इसमें हम चलते हैं, देखो कोटक महिंद्रा बैंक अभी 1724 रुपये का चल रहा है, 1724 रुपये रेड कलर में आ रहा है, इसका मतलब अभी लॉस में है। लेकिन इसके देखें मार्केट कैप, मार्केट के बारे में देखते हैं चार्ट पे, तो 1643 रुपये से लेके 2064 रुपये के बीच में ये 52 वीक और 52 हाई गया है। और ट्रेडिंग इसकी वैल्यू जो चल रही है वो भी ठीक ठाक चल रही है, अभी रेट से बहुत कम है। अभी जो प्राइस चल रहा है वो बहुत कम चल रहा है। एक साल में सेक्टर ने कितना रिटर्न दिया, 0.99%, 23% सेक्टर रिटर्न दिया है, 26.85% रिटर्न दिया है। तो को थोड़ा ना व्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका पी कितना है, कौन कौन इसके अंदर इन्वॉल्व है। 25.9% इसका प्रमोटर्स के पास में शेयर है, इसके 38% फिल्स के पास में। इसमें आप देख रहे होंगे इसके अंदर देखो इंश्योरेंस सेक्टर ने भी पैसा लगा रखा है, 8.61%, ठीक है, 12.94% नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में शेयर है। तो शेयर्स में जान है और अभी ये बहुत सस्ते में मिल रहा है, मतलब सही कहे तो अब इसका प्राइस काफ़ी हाई जा सकता है। आप जो एंजल वन में देख रहा हूँ उसके बारे में डिटेल, किसी स्टॉक को कैसे देखा जाता है, मैं उसी तरह से आपको दिखा रहा हूँ कैसे लोग को देखते हैं। सिर्फ खोल के बाय नहीं किया जाता, उसकी चीज़ें देखी जाती है। ये देखो 29 फरवरी क्या क्या आपको क्लिक करना है, क्या नहीं क्लिक करके चेक करना है, कौन सा बटन दबा के आपको क्या चीज़ दिखेगी। शेयर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो। थोड़ा देखो ये अभी दिखा रहा है कि अभी बुलिश की तरफ काफ़ी है, तो बुलिश से बिल्कुल एंड में आ चुका है, अभी धीरे धीरे रिमूव करेगा इस साइड में और फिर आएगा ग्रीन साइड में। सोचो आपको कितना प्रॉफिट होगा, अंदाज़ा लगा रहे हो। अभी ये यहाँ पर है, अगर ये ग्रीन की तरफ होता तो फिर खरीदने में फ़ायदा नहीं था, कि बुलिश की तरफ बेरिश की तरफ होता, बुलिश की तरफ तो फिर ये बेरिश की तरफ बढ़ता। अभी ये बेरिश की तरफ है, इनकी अभी ये बढ़ेगा। देखो ग्राफ की तरफ चलते हैं, ग्राफ में देखो कितना बड़ा डाउनफॉल आया है, ऊपर से नीचे तक आया है, 1725 रुपये से लेके 1720 रुपये आ गया ये, ठीक है। और ये एक मिनट की कैंडल है, ऊपर आप देख लेंगे लेंस के सर्च के बाद में, एक मिनट की कैंडल दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये मैं थोड़ा लाइन खींच के दिखा रहा हूँ आपको, इसमें एक मिनट की कैंडल दिख रही है, देखो एक मिनट की कैंडल में इतना बड़ा बदलाव आया है। तो यार सिंपल सी बात है, इसमें 26 रुपये तो कहीं नहीं गए, 6-7 रुपये तो ऐसे ही निकल जाएंगे पर शेयर पे खरीदते ही। हो सकता है गैप अप से खुले और देखो इतना बड़ा यहाँ से ये टूट के ऊपर ही आएगा। लॉन्ग टर्म की सोचे तो बहुत बढ़िया है। नीचे RSI में देखो आप, RSI में भी अभी डाउन में, ये 640 से नीचे आ चुका है, तो ये भी ऊपर जाएगा। दोनों चांस यही बोल रहे हैं कि ऊपर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक का। बाय करके रख लो, आप इंट्राडे में करो चाहे लॉन्ग ट्रेड में करो चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग में करो, ये आपको प्रॉफिट देगा। देख रहे हैं आप इसका ये चार्ट देख रहे हैं, एक मिनट का ये मैं इसमें एरो बना के देख रहा हूँ। ये देखो इसमें चार्ट में देखो, मतलब कितना नीचे फट से गिरा है यार, ये 7-8 रुपये का फर्क तो ये दिख गया, वो भी एक मिनट की कैंडल में, सिर्फ एक मिनट की कैंडल में ये इतना फर्क दिखा रहा है, ठीक है। आज देखो एक मिनट की कैंडल रेड 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 नीचे गिरता गया तो गिरता ही गया, लेकिन अब उठने का टाइम है। कोटक जो है, कोटक महिंद्रा बैंक जो है, ये बैंक निफ्टी का भी एक बहुत बड़ा पार्ट रोल निभाता है। जो बैंक निफ्टी में ऑप्शन चलता है उसका भी काफ़ी परसेंट शेयर इसके पास में है, बैंक निफ्टी भी इस पर डिपेंड करती है। कुछ ही बैंक है जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक और ये कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, ये छोटे मोटे ये बड़े बड़े बैंक हैं जो इसमें काफ़ी रोल अपना निभाते हैं। अभी 1720 से 1720 रुपये 40 पैसे यहाँ ये इसका लास्ट किया था, उसके बाद नीचे आया, यहाँ से हम ऊपर मानते तो 1726 रुपये 1722 रुपये आराम से देख जाएगा। अब थोड़ा चेंज करके देखते हैं, एक मिनट की कैंडल देखी थी, अब हम 5 मिनट की कैंडल देखते हैं। 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखो क्या इसमें पॉसिबिलिटी है। 5 मिनट की कैंडल टाइम चार्ट लगाने के बाद ये देखो 1724 से अगर ये ऊपर जाता है तो कितना ऊपर जाने की संभावना है, ये जाएगा कम से कम भी जाएगा, स्टॉप लॉस लगाना है तो नीचे लगाना, यह आएगा आपका 1600 1680 पे स्टॉप लॉस लगा दो और 1724 से बाय करो। अब ये जाएगा कहाँ तक, ये जाएगा कम से कम 1840 तक या 1820 तक, लोग इसको यूज़ करते हैं, ESSA इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इसमें भी देखो आपको ओके दिखा रहा है कि खरीदने के चांसेस हैं,
कितना प्रॉफिट कितना लॉस लेना है, इसमें सारे दिखा दे। आप जो इंडिकेटर यूज करते हो उसको भी लगा के देखोगे ना, तो आपको जो सिग्नल्स मिलेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर, वो बाय करने के सिग्नल मिलेंगे, सेल के सिग्नल नहीं मिलेंगे। कहीं से भी लगा के देख लो भाई साहब, सर बड़ा ही बहुत बढ़िया प्रॉफिट देगा ये मेरी रिसर्च है, और मैं इसमें रात भर में देख रहा था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी। अब तो गिर गया, अब उठ, अभी तो खरीदने का मौका है। कैंडल चार्ज बच गया, एक दिन का कैंडल करके देखते हैं एक दिन के हिसाब से क्या है। एक दिन के हिसाब से देखो 1724 से आराम से 1920 रुपए तक ट्रेड हो सकता है, 1724 से 1920। थोड़ा 15 मिनट की कैंडल में क्या बता रहे थे हम, 1720 से 1728 तक ऐसे ही चले जाएगा, पता भी नहीं लगेगा क्योंकि डाउन में आ रहा है ना, ग्रीन कैंडल बनेगी, गैप अप खोला तो और भी बल्ले बल्ले हो जाएगी। चार्ट को थोड़ा देखो, ये लकीरों को समझो, रेड ग्रीन कहाँ स्टॉप लॉस है, ये आपका प्रॉफिट हो सकता है 1732। 15 मिनट के हिसाब से 1732 पे भी आप लगा सकते हो, ठीक है कि 1732 पे आए मैं निकल जाऊँ, 13 रुपये पर शेयर प्रॉफिट लेके निकल जाऊँगा। इंट्राडे में तो आपको 5x 10x मिलता है, 3x 5x मिलता है, तो हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और ऑप्शन चेन में गए तो और भी बढ़िया कमा लेंगे। और ये गैप अप खुलेगा देखना, मंडे को ये गैप अप खुलेगा। 15 मिनट की कैंडल ये मैंने लगा दिया, अगर मैं बाय करता हूँ तो यहाँ रहा है, देखो इंट्राडे में 5x देता है और पे लेटर में 1x देता है, 1724 का शेयर है, क्या बात है। थोड़ा और देखते हैं ग्राफ के अंदर, जूम आउट करके देखते हैं कैसे बाय और सेलर हैवी होते हैं। जो ग्रीन कलर कैंडल है वो बाय को मूव करती है, मोबाइल को थोड़ा घुमा के देखते हैं, इससे बड़ा चार्ट दिखता है। ये देखो कैसे ट्रेंड करता है, ये हाई वॉल्यूम वाले हैं भाई साहब, ये बड़ी मार्केट के शेयर हैं, ये प्रॉफिट देके ही जाते हैं। आप एक साल पहले 6 महीने पहले पिछला उसका चार्ट देख लो, प्राइस देख लो कोटक का, ये बढ़ बढ़ गया है। जिसने पेशेंस रखा वो अच्छा कमा गया, जिनने नहीं भी रखा तो भी कमा गया। चार्ट को देखो, चार्ट को डेली 10 से 15 मिनट आधा घंटा जिस शेयर पे ट्रेड करने वाले उस ट्रेड को पहले एक दिन पहले खूब अच्छे से देखो कि चार्ट क्या बोलता है, जो चार्ट बोलता है वही काम होता है। 1724 देखो, 1552 से लेके 1897 रुपये इसमें ट्रेड हो रहा है, 1552 रुपये से 1857 रुपये रेट क्या चल रहा है, 1724। तो क्यों नहीं आएगा यहाँ तक, बहुत आसानी से सकता है। और 52 वीक की बात करें तो 2064 रुपये तक रेट गया है। तो मैं तो सिर्फ यही बोल रहा हूँ, ये जो ट्रेडिंग इसका चल रहा है 1552 से लेके 1897 20 पैसे, वैसे 100-150 रुपये तो पर शेयर कहीं नहीं गया। ये नीचे वीडियोज आते हैं, इनके वीडियोज भी क्लिक करके आप देख सकते हो। जब शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है तो ये बड़े बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इनकी वीडियो भी देखो, यहाँ से भी आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कि हमें किस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए किस में नहीं। एक एप्लीकेशन जो होती है ना एंजल वन या जीरोधा, जिसपे भी आपका डीमेट अकाउंट है, उसको नीचे तक खोल के देखो, वो सब बहुत कुछ बताती है। हम लोग करते क्या, बहुत से लोग बताते हैं शेयर खरीदते हैं यार ये बढ़ेगा, छोटे मोटे सट्टे की तरह खेलते, सट्टे की तरह नहीं खेलना है इसको, थोड़ा टाइम देना सीखो। जितना एप्लीकेशन को टाइम दोगे उतना वो आपको कुछ ना कुछ खोज के बताती रहेगी। अरे ना, ओपन हुआ था 1724 पे, हाई गया 1732, लो 1715 और 1724 पे क्लोज हुआ, तो 1735 तक गया, अभी तो 1724 चल रहा है। इसके बीच का मतलब क्या है, ये प्रॉफिट तो बनता ही बनता है। थोड़ा और देखते हैं इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। नो योर फीडबैक, 11-25% प्रमोटर, ये तो हमने देख लिया। अदर डील 8.61% इंश्योरेंस सेक्टर के पास है, यानी कि उन्होंने भी लेके रख रखे हैं। आप इंश्योरेंस खरीदते हो, इंश्योरेंस वाले भी ये पैसा शेयर से भी लगाते हैं, वो आपको कहाँ से देते हैं। कोई भी पैसा कहीं भी इन्वेस्टमेंट होता है आखिर में मार्केट में ही वो लगाया जाता है पैसा। शेयर मार्केट बहुत बड़ा समुद्र भाई साहब, बहुत बड़ा, जितना चाहो वहाँ से कमा सकते हो। 13 लाख करोड़ रुपये एक दिन का बैंक निफ्टी में आता है डेली और चले जाता है।
तो 13 लाख करोड़ की ट्रेड होती है कम से कम, ये एवरेज बता रहा हूँ वो 13 लाख करोड़, सॉरी 63 लाख करोड़, 63 लाख करोड़ का पर डे का ट्रेड होता है बैंक निफ्टी के अंदर, ये एवरेज प्राइस है। इससे ज़्यादा भी होता है कभी।